नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट फ्राइडे स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने रिपोर्ट पे बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वही आज हम अपने रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। आज हम अपने रिपोर्ट में बलराम और रेवती के विवाह की बातें बताने वाले हैं। चलिए बताते हैं क्या क्या हुआ। तो दादी नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में, चलिए बताते हैं आपको अपने रिपोर्ट में क्या क्या हुआ। तो डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराज कुकुटनी अपने पुत्री का हाथ बलराम के हाथों में सौंप देते हैं। बलराम कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने सुख ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारी गृहस्थी का सभी व्यापार इनकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। फिर महाराज दोनों को आशीर्वाद देकर तपस्या करने चले जाते हैं। फिर बलराम और रेवती का विधिवत रूप से विवाह होता है और नगर में इस विवाह उत्सव की धूम रहती है। दो चोटियां पर नर और नारायण को तप करते हुए बताया जाता है। उनके तप से इंद्रदेव का आसन डोल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के सातवें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में नर और नारायण नाम दो महात्माओं ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है। श्री वामन पुराण के छठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से धर्म को उत्पन्न किया था। ये दोनों धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद्देव भागवत पुराण के चौथे स्कंध में भी नर और नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है। उनकी 1000 वर्ष की तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा। नर और नारायण की अत्यंत कठोर तपस्या की वजह से देवलोक में इंद्र का आसन डोलने लगा। अपनी अज्ञानता की वजह से इंद्र ने समझा नर और नारायण स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं, तो उसने इंद्र सभा की प्रमुख अप्सराओं को बुलाया और उनसे कहा जाओ और नर और नारायण की तपस्या भंग कर दो। अप्सराएं वहां जाकर दोनों तपस्वियों के सामने नृत्य एवं गान करने लग जाती हैं। नृत्य एवं गान करने के बाद भी वे अपनी आँखें नहीं खोलते हैं, तो वह अप्सरा दोनों के समक्ष उनके चरणों में एक एक चमत्कारिक और सुगंधित फूल अर्पित कर देती हैं। उस फूल से दोनों की आंखें खुलती हैं, तो वे उस फूल को देखने के बाद सामने खड़ी अप्सराओं को देखते हैं। तब एक तपस्वी नारायण पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और इस निर्जन एवं एकांत वन में किस लिए आई हैं? तब वह कहती है, हम इंद्र सभा की अप्सराएं हैं। इस पर वे कहते हैं, अप्सराएं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे आने की क्या वजह है? यह सुनकर वह अप्सरा कहती है कि देव राजेंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए आपको तमाम सुख देने के लिए ही उन्होंने हमें भेजा है। यह सुनकर नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा तो देवराज इंद्र हमें अब इस तरह से सुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? तब वह अप्सरा कहती है कि बिना किसी कामना के तो कोई भी तप करने नहीं जाता। मुनिवरों, यह सुनकर दोनों हंसते हैं। फिर वह कहती है, स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी ललायत रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परम सीमा है। तब नारायण कहते हैं, हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सभी सुख नश्वर हैं, आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहाँ के सुख भी क्षण भंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? यह सुनकर वह अप्सरा कहती है, हे तपोधन, मेरे साथ जितनी भी अप्सराएं हैं, वे सब आपका मनोरंजन ही करने के लिए आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मनचाहा आनंद दें, इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर नारायण कहते हैं, बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो, अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें, तो लो। ऐसा कहकर नारायण वह फूल उठाकर अपनी जंघा पर स्पर्श करते हैं, जिसमें से अप्सरा से भी सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हो जाती है, जो उस अप्सरा के समक्ष खड़ी होकर प्रभु नारायण को प्रणाम करती है। वह अप्सरा उसे देखकर अचंभित हो जाती है।
वह सुंदर स्त्री नारायण को प्रणाम करते हुए कहती है, हे देव, क्या आज्ञा है? तब नारायण कहते हैं, हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारे जंघा के उर्भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। फिर उस अप्सरा की ओर देखकर कहते हैं, कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर है? है कोई तुमसे इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। उर्वशी कहती है, जो आज्ञा देव। फिर उर्वशी और उन अप्सराओं में सुंदर नृत्य और गान की प्रतियोगिता होती है। फिर बाद में सभी अप्सराएं चक्कर खाकर गिर जाती हैं और उर्वशी जीत जाती है। तब नारायण कहते हैं, क्या तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्ग लोक के सभी सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं? फिर वह अप्सरा कहती है, क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें, हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। तब नारायण कहते हैं, नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। जाओ, उर्वशी प्रभु को नमन करके वहाँ से अप्सराओं के साथ चली जाती है। वे दोनों पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। इसकी पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में की है। आगे की जानकारी